हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं डीएलसर चैनल और आपके साथ मैं हूं दिलशाद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप। जो लोग जो स्टूडेंट्स इस बार 2020 में क्लास 10 पास किए, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप है, सबसे अच्छे स्कॉलरशिप है मेरे हिसाब से ये। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए, बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है आपके लिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए, सो उन लोगों को भी ये बेनिफिट मिले। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और एंड तक वीडियो देखने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। टॉपिक की बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ईशान उदय स्कॉलरशिप। शायद किसी ने नाम सुना ही होगा, जिन लोगों ने नहीं सुना है उनके लिए ये आप अच्छी तरह से वीडियो देख लीजिए। तो एंड तक मैं ये स्कॉलरशिप के बारे में सब कुछ आपको डिटेल्स बता दूंगा। पर ईयर 10,000 स्टूडेंट्स को नॉर्थ ईस्ट में ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में पर ईयर 10,000 स्टूडेंट्स को दिया जाता है UGC की तरफ से। ये UGC की तरफ से नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप है, बहुत ही अच्छे स्कॉलरशिप है। उन लोगों का कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर स्टडीज इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में ये स्कॉलरशिप लिया है, और ये स्कॉलरशिप 2014 से दे जा रहा है, 2014 से ये जा रहा है। अभी मैं बताऊंगा किस किस कोर्स के लिए ये एप्लीकेबल है, आप ध्यान से सुनिए। ये जनरल डिग्री कोर्स लाइक BA, BSc, BCom ये के लिए एप्लीकेबल है। टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स BTech, BArchitectical एंड पैरामेडिकल के लिए, सपोज BPharma है। इंटीग्रिटी कोर्स ये BSc BEd रहता है, BA BEd, इसके लिए भी ये एप्लीकेबल है। ओनली फॉर ग्रेजुएट लेवल के लिए स्कॉलरशिप है। जनरल डिग्री कोर्स प्रोफेशनल है, टेक्निकल लिए, मेडिकल के लिए भी है, MBBS के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, आपका समझ गया किस किस कोर्स के लिए। जिन लोगों ने इस बार क्लास 12 पास किए हैं, उन अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, किसी ने BA में एडमिशन लिया, किसी ने BSc में, किसी ने BPharma में, किसी ने BTech में, किसी ने MBBS में, किसी ने BPharma, सो उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप अप्लीकेबल है। उन लोग ये स्कॉलरशिप इस बार अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये स्कॉलरशिप बहुत ही अच्छे है। इसका अमाउंट आप सुन के चक जाओगे, ये 5,400 देता है पर मंथ फॉर जनरल डिग्री कोर्स लाइक BA, BSc, ऐसे 5,400 फॉर जनरल डिग्री कोर्स, बहुत ही अच्छे स्कॉलरशिप है, मैं फिर बता रहा हूँ। और 7,800 देता है मेडिकल पैरामेडिकल प्रोफेशनल के। ठीक है, 5,400 फॉर जनरल डिग्री कोर्स एंड 7,800 फॉर टेक्निकल एंड मेडिकल पैरामेडिकल कोर्स। अभी मैं ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, आपको ये स्कॉलरशिप फुल डिग्री कोर्स में मिलेगा। ये सिलेक्शन फुल डिग्री कोर्स का मिल जाएगा। ये सिलेक्शन कैसे होता है मैं आपको बताऊँ, ये सिलेक्शन होता है आपकी HS की क्लास 12 की परसेंटेज से। ये सिलेक्शन फुल्ली ऑन परसेंटेज बेसिस होता है, इसमें कोई और कुछ नहीं है। आपको क्लास 12 में अच्छा परसेंटेज है तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकता है। ठीक है, इसका लिस्ट अभी उसका अप्लाई स्टार्ट हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई होने के बाद ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से उन लोगों ने ये सिलेक्शन लिस्ट ऑनलाइन आपको स्कॉलरशिप पोर्टल के साइट में मिल जाएगा। ठीक है, आफ्टर सिलेक्शन आपको क्या करना होगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अब जिस कॉलेज में एडमिशन लिए उसी कॉलेज से वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आपको ये कंफर्म हो जाएगा ये आप बेनिफिशियल है। आपको अपने कॉलेज में जाकर अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना होगा। उन लोग वेरीफाई करने के बाद उन लोगों ने अपना रिपोर्ट भेज देंगे UGC की। अभी मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स क्या है,
फर्स्टली आपका डोमिसाइल और पीआरसी रहना होगा और इनकम सर्टिफिकेट दोनों मस्ट है। आपका डोमिसाइल रहना होगा, आप असम के हो, ये आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकालना होगा और आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लेना होगा, ठीक है। और आपका जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है लाइक आपका क्लास 10 स्टैंडर्ड का मार्कशीट सर्टिफिकेट, HS स्टैंडर्ड का मार्कशीट सर्टिफिकेट, और जिन लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, स्टूडेंट्स का बैंक अकाउंट चाहिए, जिसका आधार कार्ड है उसको आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड नहीं हो तो उसका बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट आपका अपने कॉलेज से निकलना होगा जिसमें आप अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए, उसी कॉलेज से आपका एक बोनाफाइड स्टूडेंट फ्रॉम प्रिंसिपल और अथॉरिटी से आपको दिया जाएगा। जिसका आधार कार्ड है इसको ये नहीं चाहिए, ठीक है, और नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और कुछ अभी बात बता रहा हूँ कि अगर सपोज आपने एडमिशन लिया, बाद में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकता, इसके लिए कुछ रीज़न है। अगर आप फर्स्ट ईयर में से सेकेंड ईयर में प्रमोशन नहीं हुई तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अगर स्कॉलरशिप का कुछ रूल्स है, आफ्टर वन ईयर आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजना पड़ता है, ठीक है। आफ्टर वन ईयर क्या होता है, आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजना पड़ता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट UGC की साइट में आपको लॉगिन करके अपलोड करना पड़ता है। अगर आप ये नहीं दिए तो आपका स्कॉलरशिप क्या आप नहीं मिले, ठीक है। और आफ्टर सिक्स मंथ सेमिस्टर जो है, सेमिस्टर के कोर्स जो है, आफ्टर सिक्स मंथ आपको एक कंटिन्यूशन फॉर्म फ्रॉम HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से ये साइन लेके आपको अपलोड करना पड़ता है। अगर ये भी आपने नहीं दिया तो आपको ये स्कॉलरशिप से निकाला दिया जाएगा, आपको नहीं मिले। और फिर सपोज आपने कुछ कोर्स लिया, आफ्टर वन ईयर आपने कोर्स चेंज कर लिया तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। पहले जिस कोर्स में आप एडमिशन लिए उसी कोर्स से आप जितने दिन उसी कोर्स करेंगे उसी कोर्स के हिसाब से मिलेगा। अगर इन द मिड टाइम आपने कोर्स चेंज कर लिया तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये ऑनलाइन प्रोसेस कैसे, आप कैसे अप्लाई करें अभी मैं इसके बाद बताऊँगा। देखिए मेरे डिस्क्रिप्शन में आपका जो स्कॉलरशिप का इन्फॉर्मेशन है आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने का लिंक भी। देखिए लास्ट ईयर तक ये क्या होता है, कुछ अलग सा सिस्टम था, ये फर्स्ट अप्लाई करना पड़ता है, जो सिलेक्शन मिलने के बाद ये कनाडा बैंक की थ्रो से आपको पैसा मिलता है। लेकिन इस बार कुछ अलग है, आफ्टर सिलेक्शन ये फुल्ली UGC ये वेरीफाई करेगा, ये UGC कंडक्ट करेगा। अगर आपको सिलेक्शन मिल गया, आप पढ़ना स्टार्ट किया तो आपको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर DBT के थ्रो DBT से UGC की तरफ से डायरेक्ट आपको अकाउंट में स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अभी कनाडा बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी बैंक का अकाउंट हो तो आपको मिल जाएगा। और प्रोसेस में बता रहा हूँ, फर्स्ट आपको रजिस्टर करना होगा, ठीक है। ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, डिस्क्रिप्शन से आप अप्लाई कर सकते हैं जाके लिंक में। तो आपको क्या है, फर्स्ट रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के लिए आपको सभी डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको बैंक चाहिए, बैंक का नंबर, IFSC कोड सब चाहिए। अगर आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको एक एप्लीकेशन ID और पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। तो इसी एप्लीकेशन ID और पासवर्ड से आपका लॉगिन करना है, उसी साइड में एक रजिस्टर बॉटम है, एक लॉगिन है। तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको एप्लीकेशन ID और पासवर्ड अपने मोबाइल में मिल जाए। तो ध्यान रहिए अपने मोबाइल को करेक्ट नंबर दीजिए, अपने मोबाइल नंबर करेक्ट दीजिए और अपने जीमेल वैलिड जीमेल ID दीजिए, दोनों भी एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव नहीं हो तो आपको दिक्कत हो सकता है, तो ठीक है। लॉगिन में जाके आपका लॉगिन करना है, अपना एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड पुट करके आपका लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको मैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगना चाहिए मैं आपको बता दिया। तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको लॉगिन में जाके अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको एक प्रिंटआउट मिलेगा, उसी को लेके और अपने डॉक्यूमेंट्स के लेकर अपने कॉलेज में जाके आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद उन लोग आपका वेरीफाई जब कर देंगे तो उन लोग रिपोर्ट भेज देंगे UGC का, तो आपका हो जाएगा। तो आपको ये आफ्टर 3 मंथ्स 6 मंथ्स में, कभी कभी मंथ में भी दे देता है स्कॉलरशिप। बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप है, मैं आपको बता दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं एक व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, अगर आप
को पर्सनली मुझे पूछना है उस स्कॉलरशिप के बारे में, बहुत ही सवाल हो सकता है जिन लोगों के न्यू है, तो आप उसी में जाके आप पूछ सकते हैं। और लाइक शेयर और कमेंट करिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और वीडियो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग।